मुफलिसी और पति की बीमारी से तंग आकर मां ने किसी और के साथ गृहस्थी बसा ली तो पिता मरणासन्न हाल में है और बच्चे दर दर भटकने के लिए मजबूर। ये बच्चे डबरा रेलवे स्टेशन पर एक महिला को मिले जो इन बच्चों की मदद के लिए अब अधिकारियों के चक्कर काट रही है। देखिए ये रिपोर्ट। डबरा की लक्ष्मी कॉलोनी में रहने वाले लाखन सिंह परिहार का भरा पूरा परिवार तब बिखर गया जब वो दवा से पीड़ित हुए। धीरे धीरे काम पर जाना बंद हुआ तो परिवार मुफलिसी का शिकार हो गया। हालात ज्यादा बिगड़े तो पत्नी तीन बच्चों को छोड़ किसी और के साथ भाग निकली। पिता मरणासन्न है और बच्चे दाने दाने को मोहताज। लेकिन जब भूख बर्दाश्त करने की सारी हदें पार हो गई तो अपने 8 और 3 साल के 2 छोटे भाइयों का हाथ पकड़ 12 साल की मासूम मालती घर से निकल पड़ी। अब समझ नहीं आ रहा कि जाए तो जाए कहां। भटकते भटकते ये तीनों बेसहारा मासूम डबरा रेलवे स्टेशन पहुंचे। किस्मत अच्छी थी कि गलत हाथों की बजाय ये मासूम एक भली महिला को मिले जो उन्हें अपने घर ले आई और इनकी मदद के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रही है। एक इंसानियत का नाता है हमारा, ये हमें ऐसी गंभीर हालत में मिले इस वजह से हम इनको अपने घर पे ले आए थे। इसलिए मैं इनकी सेवा के लिए ना दर बदर घूम रही हूँ कि इनकी कोई व्यवस्था हो जाए। और इनके पिता की बहुत हालत खराब है, वो कभी भी शांत हो सकते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय है, कोई इनकी व्यवस्था हो। हालत बिगड़ी तो पड़ोसियों ने लाखन को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया लेकिन संवेदनहीन डॉक्टरों ने पैसे के अभाव में उसे अस्पताल से बाहर कर दिया। पिता ने मदद के लिए तहसीलदार बीआरसी से लेकर एसडीएम तक गुहार लगाई। बच्चों के आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास में दाखिले के लिए प्रयास भी किए गए लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। हाँ, मदद की आस सरकारी फाइल में जरूर दफन हो गई। अब एक बार फिर ये बच्चे मदद की आस में एसडीएम ऑफिस पहुंचे जहां मुलाकात की आस अधूरी रह गई। बीआरसी साहब अब बच्चों को ग्वालियर अनाथ आश्रम भेजने की बात जरूर कर रहे हैं। चूंकि इनके एक बालक बहुत छोटा है और बालिका की व्यवस्था तो हम गढ़ोकला छात्रावास है हमारा उसमें कर सकते थे और लेकिन दो बालक इनके छोटे हैं और आदिम जाति कल्याण विभाग के जो हॉस्टल चल रहे हैं उनकी ये पाता नहीं रखते। इसलिए हमारी एसडीएम साहब को मैं लिखा है कि इनको अनाथालय आश्रम ग्वालियर में। पिता लाखन बिस्तर पर पड़ा मौत का इंतजार कर रहा है और उसके तीनों मासूम बच्चे दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि गरीबों का कल्याण करने वाली सरकारी योजनाएं किन लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं और लाखन जैसे गरीब परिवार को बर्बादी की कगार पर किसने पहुंचाया? समय के लिए डबरा से सलील श्रीवास्तव।